दोस्तों आज के समय में YouTube पर ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। अगर दोस्तों हमें YouTube पर वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, व्यूज़ ये सब कुछ चाहिए तो हमें थोड़ा सा चालाक बनना पड़ेगा और अपना सातिर दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरह से हम YouTube पर सब्सक्राइबर, वॉच टाइम, व्यूज़ ये सब कुछ ला सकें ताकि हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए और हम उससे अर्निंग स्टार्ट कर दें। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको बस थोड़ी सी चालाकी दिखानी पड़ेगी, बिना चालाकी दिखाए आपका काम नहीं होगा। और दोस्तों आज की जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, इसका यूज़ करके आपको 100% फ़ायदा होगा। इसका यूज़ करने से आपको सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, व्यूज़ भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको वॉच टाइम भी मिलेगा। दोस्तों इस ट्रिक का यूज़ करने से पहले मैं आपको इसका लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को इस ट्रिक पर विश्वास हो जाए। चलिए दोस्तों तो यहाँ से मैं अपना जो कि मोबाइल यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको साइड में दिखाता जाऊँगा और आप लोग जो है यहाँ पर देखते जाना। दोस्तों एक चैनल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, साइड में आप देखिए कि इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 25 अप्रैल 2021 को ये चैनल स्टार्ट किया गया है, यानी कि 25 अप्रैल से आप गिन ही सकते हो, अप्रैल से मई, जून और जुलाई यानी कि अभी ये 3 महीने ही हुए हैं और इस चैनल की ग्रोथ आप देख सकते हो। इस चैनल के हर वीडियोस पर आपको जो है 2.5 यानी कि लगभग जो है 2000 व्यूज़, 3000 व्यूज़, 15000 व्यूज़, 3000 व्यूज़, 5000 व्यूज़, 7000 व्यूज़, इस तरह के व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग जो है यूट्यूब पर वीडियोज अपलोड करते हो तो आपकी वीडियो पर इस तरह के व्यूज़ नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि दोस्तों इसने एक ऐसे तरीके का चैनल स्टार्ट किया है जिससे आप ये अपना जो है मेन चैनल ग्रो कर सकता है। कैसे कर सकता है यही मैं आपको समझाने वाला हूँ, किस तरह से आप लोगों को भी अपने मेन चैनल को ग्रो करना है अपना एक सेकंड चैनल बनाकर। आपका मेन चैनल तो ग्रो नहीं हो रहा है तो आपको एक थोड़ा सा चालाकी दिमाग लगाना है, आपको क्या करना है एक छोटा सा चैनल क्रिएट करना है। इस चैनल के लिए आपको जो है एक अलग से जीमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, अलग से चैनल क्रिएट करना पड़ेगा तभी आपका काम होगा। देखिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, साइड में आप देख सकते हो कि इस भाई ने क्या किया, एक व्हाट्सएप चैनल चलाया, ठीक है। अब दोस्तों इन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस जो बनाया है, ये व्हाट्सएप स्टेटस तो देखिए चैनल मोनेटाइज तो नहीं होगा, लेकिन अगर ये चाहें जिस किसी का भी वीडियो जो है एंड स्क्रीन में लगा दें तो उसकी वीडियो पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि इनकी वीडियो पर सबसे ज़्यादा क्लिक्स आएंगे। अगर दोस्तों ये सेकेंड चैनल अपना बनाते हैं और उस पर जो है व्यूज़ लाते हैं इन वीडियोज़ से, तो इनको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उन वीडियोज़ पर व्यूज़ बढ़ेंगे और लोग बाग इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर उनका चैनल जो है अच्छा खासा जो है वीडियो परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर उनकी वीडियो अच्छी रही तो लोग सब्सक्राइब भी करेंगे। और यही मैं आप लोगों से कहता हूँ, अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी रहेंगी तो आप लोगों को लोग बाग आप लोगों को भी सब्सक्राइब करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बस यही आपको छोटा सा काम करना है कि आपको एक अलग से चैनल क्रिएट कर लेना है स्टेटस का। आपको क्या करना है, जो भी नए नए स्टेटस वाले गाने आते हैं, जो भी नए नए गाने आते हैं, आपको क्या करना है उनका स्टेटस बनाना है, तुरंत बनाना है। जैसे ही गाना आए उसके 5 मिनट बाद आप सीधा उसको डाउनलोड करो और उसको जो है कॉपी पेस्ट करो, उसको बनाओ, कट पेस्ट करके कुछ भी करो और उसको बनाओ, ठीक है। 30 सेकंड का जो है स्टेटस बनाओ और उसको अपलोड कर दो। सेम टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन डालो, जैसे वो गाने में डाला है सेम वही टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन डालो ताकि आपका जो स्टेटस है वो उनके रिकमेंडेड में जाना स्टार्ट हो जाए। आप लोग क्या करो, अपने चैनल को जो वो वाला चैनल तो आपका ग्रो हो ही गया व्हाट्सएप वाला, आपको क्या करना है उसकी एंड स्क्रीन में जाकर अपने सेकंड चैनल की जो वीडियोज़ हैं उनको जाकर एंड स्क्रीन में लगाना है। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि व्हाट्सएप स्टेटस सभी लोग जो है ज़्यादातर फुल ही देखते हैं, कभी भी कोई भी जो है आधा अधूरा नहीं देखता है, फुल स्टेटस देखता है, देखता है कि नहीं देखता है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको जाकर एंड स्क्रीन लगानी है और जाकर सबसे पहले आपको एक चैनल क्रिएट करना है व्हाट्सएप वाला, उसको ग्रो कर लो, ठीक है, फिर आप अपने मेन चैनल को ग्रो कर लेना। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई एक छोटा सा लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आपको आने वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली मिलने वाली है। और दोस्तों आगे आज मैं जो है सही तरीके से आपको नहीं समझा पाया हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि दोस्तों 2-3 दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है।